आईपीएल की सबसे मजबूत टीम मानी जाने वाली और 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को फिर हार का सामना करना पड़ा। टीम की इस साल के आईपीएल में ये लगातार 5वीं हार है। मुंबई इंडियंस अकेली ऐसी टीम है जिसने अभी तक पॉइंट्स टेबल में अपना खाता भी नहीं खोला है। टीम के लिए अब आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। हालांकि टीम अभी 9 मैच और खेलेगी, लेकिन जिस तरह का टीम का प्रदर्शन है उसे नहीं लगता है कि टीम लगातार बाकी बचे हुए मैच जीत पाएगी। लगातार 5वां मैच हारने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा काफी निराश नजर आए। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हमने आज अच्छा मैच खेला, लेकिन आखिर में जो रन आउट हुए वे हमें भारी पड़ गए। रोहित शर्मा ने कहा है कि हम एक समय ऐसा था कि हम अच्छी स्थिति में थे और मैच जीत सकते थे, लेकिन हम संयम नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि जब हम मैच जीत नहीं पा रहे होते हैं तब हमें बदलाव करने पड़ते हैं, इसलिए हम नए नए संयोजन तलाश कर रहे हैं और उन पर काम भी कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने कहा है कि वे किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराएंगे, लेकिन आपको अच्छा खेलना पड़ता है। पंजाब किंग्स की तारीफ करते हुए रोहित शर्मा ने कहा है कि पंजाब ने अच्छी बल्लेबाजी की और हमारे गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। रोहित शर्मा ने यह भी कहा है कि हमें लग रहा था कि इस पिच पर 190 का स्कोर हासिल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। साथ ही दोहराया कि हम आगे से अच्छा खेल दिखाने की कोशिश करेंगे। रोहित शर्मा की बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।